नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना सवालों का और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज सवालों का सामना करेंगे जेजेपी के नेता प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से प्रदेश में राज्यसभा चुनाव है जी और सियासी पारा तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? जब सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने गियर शिफ्ट करती हैं, लोगों के क्या सेंटिमेंट पार्टीज की तरफ होते हैं, हालात क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, और उस हिसाब से जब जब गियर चेंज होते हैं तो फिर आपका पॉलिटिकल पारा जो है वो राजनीति का कई गुना बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के अंदर बदलाव हुए जी। उन्होंने नई लीडरशिप को अपनी वो दी है, जिम्मेवारी दी है। ऐसे ही हमारी पार्टी ने भी कुछ गेर बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने गेर बदले हैं। ऐसे में कुछ नए राजनीतिक दल भी आए हैं तो पॉलिटिकल पारा तो बढ़ना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हाल ही में गेर बदल दिया, कह रही थी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उन्हें फिर याद आई कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। हमारे साथ विधानसभा में गठबंधन में है और जब उन्होंने अकेले जाने का फैसला लिया तो ये सोच करके लिया कि जजपा अपनी जोर आजमाइश करें, हम अपनी जोर आजमाइश करें, जिससे जजपा को भी पूरा मौका मिले कि वो अपना कैडर शहरों में मजबूत कर पाए और वो भी बीजेपी वाले भी अपना कैडर मजबूत कर पाए। तो आपकी बात और सोच मैं उसको कंप्लीट कर लूं जी। कि विधानसभा चुनाव में जब हम एक साथ आए तो उन सभी लोगों का विधानसभा चुनाव में हमें एक साथ फायदा मिले, मगर क्योंकि कांग्रेस के सामने हमारा मुकाबला था मुख्य विपक्षी दल में, कई जगह कांग्रेस से हम मुकाबले में थे, कई जगह ऐसी थी कि जहां पर बीजेपी और हमारा मुकाबला था, कई जगह ऐसी थी कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था, ट्रायंगुलर सी फाइट थी, मगर कांग्रेस बैकआउट कर गई। कांग्रेस एक नए पचड़े में उलझ गई राज्यसभा के, और उनके लोग क्योंकि एक बड़ी लंबी छुट्टियां मनाने, जैसे राहुल गांधी जी अमूमन जाते हैं, कभी नेपाल जाते हैं, कभी अपनी नानी के घर इटली जाते हैं, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनकी पूरी टीम अब रायपुर चली गई छुट्टियां मनाने, छुट्टियां मनाने। तो वो 18 को चुनाव है, 10 तक छुट्टियां अगर ये तमाम बड़े बड़े नेता मनाएंगे तो चुनाव कौन लगेगा, इसलिए उनने अपना पीछा छुड़वा लिया। ऐसे में हमारा और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला ना तो मोरली करेक्ट था ना एथिकली करेक्ट था। ऐसे में हमने ये फैसला लगा कि बीजेपी आमना सामना करना चाह रही है, निकाय से शुरुआत करना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जी का जो दुष्यंत जी से संपर्क हुआ कल, उसके बाद मुझे और निशांत सिंह जी को डायरेक्शन मिली, मैं दिल्ली से आया, वो अपनी मीटिंग छोड़ करके आए, और हमने तावड़े साहब से, धनखड़ जी से और तमाम उनके लोगों से कल खुल करके बातचीत की। सीट दर सीट उस पर चर्चा हुई, 14 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और 4 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, वैसे 18 सीट पर मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और 28 बची हुई नगर पालिका जो हैं उसमें जहां हमारे MLA हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां उनके MLA हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां दोनों के नहीं हैं वहां सिंबल को अवॉइड कर करके पंचायती तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे हमारा पहले गठबंधन मजबूत चल रहा था, ये उसकी दिशा में एक और कदम है। दिग्विजय जी, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि 2 दिन पहले ऐसी स्थिति क्या बन रही थी और 2 दिन बाद ऐसी स्थिति क्या बन गई, ये जनता का सवाल है, जनता के मन में आता है। बीजेपी वालों को हार का डर लग गया या ये लग गया कि आप लोगों के बगैर निकाय चुनाव एक तरह की परीक्षा तो है ही जी, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि एक सेमीफाइनल है। ऐसे में एक अच्छा संकेत जाए गठबंधन के प्रति, इस पर एक सकारात्मक फैसला दोनों पार्टियों ने लिया है, तो मुझे मेरे हिसाब से सोलंकी साहब जेजेपी का और गठबंधन का लॉयलिस्ट होने के नाते, पार्टी का ही जेजेपी का और बीजेपी का लॉयलिस्ट होने के नाते, अब मैं 28 तारीख और 27 तारीख में क्या घटनाक्रम हुए उसकी चर्चा ही नहीं करूं। ये आप जो सियासतदान होते हैं, जनता की जो भावना 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 सियासतदान का एक्सपीरियंस नहीं, आप भावनाओं के हिसाब से आपको सियासत का क्यों नहीं अनुभव है? सोनीपत का लोकसभा आपने लड़ा है, विधानसभा आपने मजबूत का लड़ा है, जितना आप इंसो के प्रधान रहे हैं, आज बड़े प्रधान महासचिव हैं, हम तो अभी नए नवेले हैं, इतना नहीं है जितना बहुत से लोगों को राजनीति में है, मगर हम प्रयासरत। ये अभी हम राज्यसभा की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अभी कुलदीप बिश्नोई का बयान आया है कि हमें अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए वोट देते वक्त, कैसे देखते हैं आप? अंतरात्मा की आवाज ना केवल कुलदीप जी सुनेंगे बल्कि मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सुनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इधर वोट डल करेंगे? क्या पहले नहीं किया जो आपके समर्थन में? क्या पहले नहीं किया जब हम इनेलो में थे?
जब सोनिया गांधी ने समर्थित उम्मीदवार उतारा था आर के आनंद जी को, आर के आनंद जी के खिलाफ वोट क्या शाही बदल करके नहीं डाला, तो आप अजय माकन की गारंटी कैसे ले सकते हैं? अजय माकन का तो 4 या 5 वोट से, मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं जी, मगर हारना तय है। तो जिस तरह की स्थिति अगर बात करें, जेजेपी ने जिस तरह से समर्थन दिया है और उसके अलावा कांग्रेस का ये दावा है कि 30 के 30 विधायक उनके साथ हैं, 30 में से एक तो मना ही कर रहे हैं, 31 में से, तो वो एक जब मना कर रहा है और दूसरे की तरफ वोट डालने की बात कर रहा है, तो उधर 2 का गणित का नुकसान है। ये राजनीतिक गणित जो है, उधर एक कम हुआ और इधर एक ज़्यादा बढ़ गया, यानी अब बाजी एट पार है। कांग्रेस के मुझे ये लगता है कि 4 से 5 लोग या तो एब्सेंट रहेंगे वोटिंग से, अंतरात्मा की आवाज कई बार, क्योंकि कोविड भी चल रहा है और भी बहुत सारी वो बातें हैं। देखिए ये ना अभी भी तो एब्सेंट है वो हरियाणा की राजनीति से, रायपुर के अंदर कोई बहुत अच्छा 5-स्टार होटल है नहीं, ये मैसेज है, ये लगातार प्रधान जी जिस तरह से बात हो रही है कि लोगों में ये बात आ रही है कि आप अपने ही पार्टी के लोगों पर या जिस तरह से विधायकों को वहां ले जाना पड़ा, इतना भरोसा भी नहीं है जनता, कैसे भरोसा? मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह का कोई घटनाक्रम होते देखा है। कांग्रेस बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया, उनको इतनी दूर अपने MLAs को ले जाना पड़ रहा है, उनके मोबाइल स्विच ऑफ करवाने पड़ रहे हैं, उनके घर वालों से, परिवार वालों से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से, क्योंकि जो MLA है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका परिवार है, उससे 10-15 दिन के लिए उसका संपर्क तोड़ना पड़ रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये अफसोस की बात है, क्योंकि पब्लिक की ये बिल्कुल ये मैसेज जाता है कि आप कम से कम अपनी पार्टी आज कांग्रेस, अगर इसको दूसरी तरह सोचें, कांग्रेस के तमाम लीडर्स, उसके अंदर पवन जी जो उनके वो हैं प्रभारी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और तमाम विधायक और तमाम लोग जो इनकी पूरे वो हैं लॉबिंग कर रहे हैं, ये सब लोग हरियाणा छोड़ करके रायपुर चले गए। ये स्थिति जो रायपुर वाली स्थिति है, मतलब इसके जो अगर सियासत के हिसाब से या लोगों में मैसेज के हिसाब से देखें कि आपस में जो हुड्डा खेमे की बात करें, शैलजा खेमे की बात करें, वो खेमा तो अलग है, जब एक सीट के लिए एक चुनाव होना है और उसमें भी आपको ये करना पड़े कि आपके विधायक को, ये सीधी सी बात यही आती है कि आपको भरोसा ही नहीं है, अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है उस पे भरोसा नहीं है। विधायकों को भरोसा होना चाहिए लीडरशिप पे, लीडरशिप पे जब भरोसा होता है, जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि मेरे 10 के 10 वोट कार्तिकेय जी के समर्थन में जाएंगे, हम उस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि 10 के 10 विधायक जो हमारे हैं, जो हमारी पार्टी के विश्वास पर जीत करके हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, वो 10 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कहने अनुसार वोट डालें। ये जिस तरह से हुड्डा के हाथों कमान आई, ये परीक्षा के तौर पर उनकी सियासी जो उनके विरोधी हैं वो भी इसको देख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि हुड्डा साहब, हुड्डा जी के हाथ आए, शैलजा जी के हाथ आए, कुलदीप जी के हाथ आए, या किसी और के हाथ चली जाए, कांग्रेस इतनी ज़्यादा इस जंजाल में फंस चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 46 नगर निकाय चुनाव की बात करूं, अगर इन चुनावों का आज सीटों के बंटवारे कांग्रेस सिंबल पर लड़े और फैसला करना पड़ जाए, मैं कहता हूं एक साल भी अगर ये एक ऑफिस के अंदर इन सब नेताओं को बंद कर दिया जाए, तो 1 साल 12 महीने में भी फैसला नहीं कर सकते। गुटबाजी का ये हाल, गुटबाजी को करने का काम कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने किया, उन्होंने कभी किसी को पूरी अथॉरिटी दी ही नहीं। पिछले दिनों नए मीडिया प्रभारियों की लिस्ट निकलती है और अगले दिन उसको वापस खींच ली जाती है, इसका मतलब किसी का किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो दिल्ली में बैठे हैं उनका भी इन पर कॉन्फिडेंस नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को और हरियाणा की जनता को अगर ये गलत फहमी है कि ये हुड्डा जी के हाथ में कमान है, हुड्डा जी के साथ तो वैसे तो होगा नहीं, मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मगर भगवान ना करे अगर कांग्रेस कल को पावरफुल होती है तो हुड्डा जी को सबसे पहले बाहर करने का काम कांग्रेस करेगी, जैसा भजन लाल जी के साथ किया था, और अन्य प्रदेशों में बहुत एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है, पंजाब आपके निकट में है, वहां देख लीजिए क्या हुआ, सिद्धू को कमान देकर बनाया किसी और को और उसके बाद किसी और पर चले गए। कांग्रेस इज अ कंफ्यूज पार्टी जिसका आज के दिन बड़ा धुंधला भविष्य है। हुड्डा साहब कहते हैं कि दरअसल जो भी उनके विरोध में बोलते हैं, उन्होंने जब उदय भान जी ने जब ये अध्यक्ष का पद संभाला और उसके बाद जो सड़कों पर भीड़ थी, उन्होंने शायद वो देखी नहीं जो सेंटिमेंट है कांग्रेस को लेके, उन पर विश्वास को लेके, जो उनके खिलाफ बात करते हैं वो देखा नहीं शायद उन लोगों ने,
जब रोड पे वो लोग निकले थे, जो हजारों लाखों लोगों का हुजूम था, ये उनका कहना था, अभी पिछले दिनों ही बात हुई थी, कुछ हजार लोग जो थे वो इनकी सारी की सारी ताकत थी। पिछले दिनों फतेहाबाद की रैली में बाप बेटा ने बहुत कसरत करी और 5,000 की संख्या की कुर्सियों वाला टेंट भी नहीं भर पाए। हुड्डा जी को अपने घर के अंदर हुई झज्जर रैली की झलकियां अगर कहो तो मैं कल भिजवा दूंगा। गठबंधन को लेके उनका कहना ये, लाखों लोग भूपेंद्र हुड्डा जी को शायद अपने राजनीतिक जीवन में एक साथ एकत्रित कर पाना बहुत वो है, असंभव है उनके लिए। उनका ये भी कहना था गठबंधन रैलियां देखनी है तो जेजेपी की रैली का निमंत्रण 25 सितंबर की मैं आज ही दे देता हूँ हुड्डा जी का। 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस की रैली का निमंत्रण मैं उन्हें खुद दे के आऊंगा। अगर रैली देखते हैं, देखना चाहते हैं कि रैली क्या होती है, जनसमूह क्या होता है, नेताओं के प्रति प्यार क्या होता है, विश्वास क्या होता है, 25 सितंबर को आए। चलिए, शुभकामनाएं आपको उसके लिए। जब गठबंधन की सरकार पर उनसे मैंने सवाल किया तो उनका कहना यह था कि इस गठबंधन सरकार ने प्रदेश को लूट लिया है और कोई भी प्रमाण नहीं है, एक भी प्रमाण नहीं है। अगर वो कह रहे हैं लूट लिया, उस लूट का प्रमाण भी तो दें, एक काम गिना दें। काम इतने काम, इतनी डेवलपमेंट आज हरियाणा के अंदर, इतने काम हुए हैं, इतने बड़े फैसले, कोविड काल और किसान आंदोलन के इस मुसीबत के बाद भी सरकार इतनी प्रोग्रेसिव, हरियाणा की जीडीपी बढ़ी, हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हरियाणा के अंदर मारुति अपना प्लांट लगा रही है, जैपनीज कंपनी अपना प्लांट लगा रही है, बैटरी कंपनी आ रही है, हरियाणा के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े उद्योग आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, हरियाणा के अंदर 75% आरक्षण लागू हो रहा है, हरियाणा में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन हो गया है, हरियाणा में 30% महिलाओं को जो है आपके नीचे उस पर यूनिक शॉप्स पे उनको अधिकार दिया गया है, बैकवर्ड को उसका अधिकार दिया गया है। ये आपकी रील खत्म हो जाएगी, काम गिनवाने लग गया। वो कहते हैं चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, आज मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी, बेरोजगारी आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी इस मुश्किल समय में एक बहुत बड़ी खाई है, उसको भरने के लिए हमने 75% रिजर्वेशन लागू किया है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे जैसे ही होगी, मैं आपको कहता हूं कि 5वें साल में जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, एक बहुत सकारात्मक पक्ष युवाओं का सरकार के प्रति नजर आएगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तो कोर्ट के अंदर मामला है, जैसे कोर्ट से वो होता है उसकी सख्ताई से इम्प्लीमेंटेशन। आपके विरोधी कहते हैं कि दरअसल ये होना ही नहीं है, विरोधी तो ये भी कहते थे चौधरी देवीलाल को कि पेंशन कभी लागू होनी नहीं है। पेंशन तो उन्होंने, हुड्डा साहब ने भी कहा है कि अब 6,000 से ऊपर पेंशन, हुड्डा साहब तो अब जो है 5100 वाली बात तो हम पूरी कर ही देंगे ना, और हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम कितनी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि ये जो बेरोजगारी वाला जो आपने 75% जो रिजर्वेशन की बात कही है, ये काफी रहेगा प्रदेश की बेरोजगारी को कम करने? अगर ये इसकी सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि बेरोजगार नहीं बचेगा, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बहुत बड़ी खाई बेरोजगारी की हम भरने में कामयाब। ये एक और पार्टी आई है, जैसा मैं ये इतना भी बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इसकी तरह, इस पॉलिसी की तरह अगर इसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो जाए, ये एक यूनिक एग्जांपल सेट हो जाएगा पूरे देश के लिए जहां बेरोजगारी ज्यादा है। चलिए, शुभकामनाएं, प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है जी। एक नई पार्टी का उदय हुआ है, आप गठबंधन में भी उनके साथ चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं जी। अच्छी रैली हुई है, उन्होंने कहा हरियाणा के असली बेटे वो हैं और हरियाणा का हित वही करेंगे। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ, सुंदर सोलंकी जी भी हरियाणा के बेटे हैं, दिग्विजय चौटाला भी हरियाणा के बेटे हैं, अगर केजरीवाल जी यहाँ पैदा हुए तो वो भी हरियाणा के बेटे हैं, इसमें कोई, उसमें कोई दो राय नहीं। कर्ज जो है उनका है कि कर्ज चुकाना है और जो हरियाणा है उसमें बदलाव लाना है, किस तरह से? मैं एक मुसीबत मानता हूँ आम आदमी के साथ, आम आदमी भी पार्टी को मुसीबत मानता नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में एक मुसीबत मानता हूँ जी। उनकी दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल जी के नाम, पंजाब में सरकार बनी भगवंत मान के नाम, हरियाणा में अभी लीडरशिप लैकिंग है आम आदमी पार्टी, जिसके नाम पर पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ पाए। क्या वजह, मतलब कोई लीडर ऐसा नहीं है? लीडर तो केजरीवाल के नाम पे ही नहीं, केजरीवाल तो दिल्ली में बैठे हैं ना, या तो केजरीवाल अपने आप को, केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की सोच नहीं, वो प्रधानमंत्री बनाए, शुभकामनाएं हमारी, प्रधानमंत्री वो बने ऐसा अभी तो बहुत हाइपोथेटिकल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, मगर हरियाणा में अभी लीडरशिप लैकिंग है। अगर खुद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और क्या कुछ इस तरह का विजन लेके चल रहे हैं कि पार्टी ज्यादातर, मतलब क्योंकि बीजेपी को हमने देखा
2019 में आपकी जरूरत पड़ गई, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। हम इस बात को लेकर के कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है, हरियाणा का भविष्य है और आने वाले हरियाणा के 30-40 साल का सेवक है दुष्यंत चौटाला, तो ये विश्वास हमने लोगों के मन में डिपेंड जाएगा। अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो ये उम्मीद है कि लोगों की जब मोहर लगती है तो बहुत चीजें बन जाती हैं, बहुत चीजें। अच्छा, ये डिप्टी हटके कहीं मैंने कहा कि लोगों की आगे लग चाबी पर मशीन पर जब बार बार लोगों का प्यार आशीर्वाद जो दुष्यंत के सिर पर बुजुर्गों का है, माताओं का है, जो लोग नौजवान गले मिलते हैं दुष्यंत से, उनका प्यार है, बच्चों का प्यार है, हमारी बहनों का प्यार है, वो सारा का सारा जब दुष्यंत के पक्ष में 2024 में आएगा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बनेंगी, बहुत सारी चीजें कुछ लोगों की बिगड़ जाएंगी। उस परिदृश्य में जी, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला को कहाँ देखते हैं? दिग्विजय चौटाला पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है और दिन रात मैं इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी, जिनको प्रदेश की जनता दिल से चाहती है, उनके लिए कैसे इस पार्टी का एक पहिया बन करके, एक सेवक बन करके, कैसे इस गाड़ी को और स्पीड से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी तरह पर्दे के पीछे रहेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा वो शर्माते। अच्छा, ये लगातार बात हो रही है कि गठबंधन को लेके, मजबूती को लेके, इसमें उतार चढ़ाव को लेकर, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति बननी है कि जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी और जयप्रकाश नड्डा जी जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी के, उनकी लीडरशिप आने वाले समय में और हमारी लीडरशिप जो है बड़ी मजबूती से, पहले तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो और फिर चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन दोनों चुनावों को लड़ेगी। और बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है वो हमारी स्टेट लीडरशिप के साथ बड़ी मजबूती से इस चुनाव को, आने वाले चुनाव को आगे। पर आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोगों का टेम्परामेंट तो बिल्कुल नहीं मिलता, ये तो एक दूसरे की जरूरत है इसलिए। हमारा टेम्परामेंट नहीं मिलता, मैं इसको थोड़ा सा चाहूंगा इलेबोरेट करें, टेम्परामेंट किस हिसाब से कह रहे हैं? हमारा तो टेम्परामेंट जितना मिलता है शायद दूसरा नहीं मिलता होगा किसी। उनका कहना यह कि ये जरूरत का है, मतलब ये कोई जनता के विरोधी के लिए नहीं। विरोधी इस बात की प्रशंसा कैसे कर देंगे? अब आप क्या उम्मीद करते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी इस बात की प्रशंसा करेंगे कि गठबंधन जिसको मैं कहता था 15 दिन नहीं चलेगा वो 2.5 साल हो गए? नहीं, उनका कहना यह भी है ना कि चुनावों में आपने देखा है कि क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे जब अभय सिंह जी कहते थे 6 महीने नहीं चलेगा, आज 2.5 साल हो गए? वो तो 5 साल के बाद भी यही बात कहेंगे। नहीं, आप लोग तो इस बात पे भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में केजरीवाल आकर के जेजेपी बीजेपी के गठबंधन की प्रशंसा करेंगे, फिर वोट किसके नाम पे मांगेंगे? सर, आखिरी सवाल आपसे कि जो स्थिति बन रही है प्रदेश की स्थिति जैसे बन रही है, चाहे जेजेपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, इतने सारे दल हैं जो सब अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि हम प्रदेश को हम बदलेंगे, प्रदेश की स्थिति जो बेहतर बनाएंगे वो हम बनाएंगे, जेजेपी इस सिनेरियो में किस तरह से, एक तो जैसे आपने बताया ये बात जनता पर छोड़ दी, ये विश्वास हमने जनता का जीतना है। जो भी पार्टी जीतेगी, हम आज सरकार में हैं, हमें सरकार में 20% के या 25% के हम हिस्सेदार हैं और जो हमें जिम्मेवारी हरियाणा की जनता ने 2019 में देकर के भेजी है उसका एनालिसिस, उसका तोल तराजू जनता को करने दीजिए 2024 में। अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, उन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। हम जो अपना काम है, जो हमारा कमिटमेंट है, जो जींद में पांडू पंडारा में हमने बातें कही थी, उसको 2024 में जब लोगों के बीच में दोबारा लेकर के जाएंगे कि ये कहा था ये किया और अब इसको यहाँ तक लेकर के जाना है, मेरे हिसाब से ये एक ठीक तरीका है और लोगों को इसका फैसला करने दीजिए। इतनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना उसका कोई फायदा नहीं। बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत बिंदास और बेबाक तरीके से दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपनी बात रखी, पार्टी की बात हो, सरकार गठबंधन में किस तरह से जेजेपी की भूमिका रहनी है, जमीन पर जेजेपी कैसे करेगी, लोगों के बीच जाएगी। उनका कहना यही है कि जनता का भरोसा सर्वमान्य है और उसी को हासिल करने की कोशिश जारी है और उसे आगे भी जारी रखेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।